हेलो फ्रेंड्स, कोरोना काल में लोगों ने देखा कि किस तरीके से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। लोगों ने प्लान करना शुरू करा ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रकृति का भरपूर आनंद हो, ऑक्सीजन हो। लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, तो मैं यही चाहता हूँ, अगर आप देहरादून के अंदर आ रहे हैं, अच्छी जगह पर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रकृति का भी आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। मेरा नाम है शोभित सक्सेना और आपका स्वागत करता हूँ मैं डीमून प्रॉपर्टीज के चैनल पे। देख सकते हैं आप, ये पूरा विला, ये आपका विला हो जाता है 138 स्क्वायर यार्ड में, और कितना बड़ा और शानदार विला है। आसपास की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, शांत वातावरण है। अभी आप देख सकते हैं दोपहर का समय है, 2:30 बज रहे हैं, तो कोई भी लोग आपको यहाँ पर चलते हुए दिखाई नहीं देंगे। रीज़न ये है कि ये पूरा रिहायशी एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं सामने का प्लॉट खाली है, ये पूरा प्लॉट खाली है, और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये मकान बने हुए हैं। पूरा एरिया यहाँ पर रिहायशी होने वाला है। इसके बगल में एक बड़ी शानदार कोठी बनी हुई है। तो आपको दोस्तों कराता हूँ इस मकान का टूर और बताता हूँ आपको अच्छी तरीके से इस मकान के अंदर क्या क्या मौजूद है। दोस्तों आप देख सकते हैं ओल्ड एरिया है, यहाँ पर आप बड़ी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं, ब्रेजा, होंडा सिटी, या अगर आपके पास ऑडी भी है तो भी आपकी यहाँ गाड़ी पार्क हो जाएगी। मेरे लेफ्ट साइड में पूरा ओपन स्पेस है। देहरादून के अंदर सीजन की प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर चारों तरफ से वेंटिलेशन दी जाती है, ओपन स्पेस दिया जाता है। ड्राइव ऑल से एक आ जाता है आपका मेरे राइट साइड में वेंटिलेशन की बड़ी विंडो, जिसमें आपकी 4 खिड़कियाँ दी गई हैं। और आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में स्टेयर्स प्राइवेसी के लिए ऊपर से जा रही है, जिसमें एक दो गुट बना हुआ है, ये पूरा डुप्लेक्स बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं सेपरेट एक यहाँ पर आपको स्टेयर दिया जा रही है। एंट्री के लिए 2 गेट है, एक गेट ड्राइव हॉल से है और एक गेट आपका सीधा एंट्री करता है मकान के अंदर। ड्राइव हॉल से के गेट में और इस गेट में दोनों सिंगल खुले लगे हुए हैं। अंदर एंट्री करते हैं हम और आपको दिखाते हैं यहाँ पर ड्राइंग हॉल और किचन एरिया। पहले हम चलते हैं ड्राइव हॉल में। ड्राइव हॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बल्ले के दरवाजे लगे हुए हैं, जो कि सुख समृद्धि के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। दिखाते हैं आपको पूरा ड्राइव हॉल, यहाँ पर ड्राइव हॉल हो जाता है और ऊपर का साइड आप देख सकते हैं फोर सीलिंग पर बहुत शानदार दे रखा है। मैं कैमरा मैन गुजारिश करूंगा कि वो पर दिखाएं फोर सीलिंग पर लाइट थोड़ी सी ऑन कर देते हैं, लेकिन लाइट ऑफ करके आप देख सकते हैं आप, ये देखिए आप। अभी आपको देखिए चलते हैं इसकी मॉड्यूलर किचन में, और मॉड्यूलर किचन के सामने डाइनिंग एरिया, ये आपकी मॉड्यूलर किचन रहती है। फुल ओपन किचन है, चिमनी इसमें दे रखी है और आप देख सकते हैं यह कबर्ड जो सारे ऊपर की साइड ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर ये आपने कबर्ड ओपन किया और यहाँ पर ये हो जाता है, तो इसमें एक क्लोजर दो क्लोजर लगा हुआ है। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर भी कबर्ड स्पेस दे रखा है, आप अपने आप आराम से बहुत अच्छा सामान रख सकते हैं। नीचे भी सारी स्लाइडिंग कवर्स आपको मिल रहे हैं और आपको यह मिल रहा है कि ग्रेनाइट का पत्थर, जिस ग्रेनाइट के पत्थर से आप आराम से बैठ करके अपना किचन वगैरह खाना बना सकते हैं। तो ये आपका हैंड में ज्यादा ऊपर से और टैप पूरे प्रॉपर तरीके से हम लगे हुए हैं, और गीजर के लिए टैप के लिए यहाँ पर स्पेस रखा है। लेके चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में, थोड़ा सा सामान होगा इसके लिए आपको माफ करूंगा। बेडरूम के अंदर कबर्ड आपको मिल रही है और आप देख सकते हैं फोर सीलिंग जो ऊपर से रखी है यहाँ पे आपको कंसी लाइट वगैरह दी जा रही है। हम यहाँ से बाहर आते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर शानदार हवा चल रही है, और पीछे की तरफ एक बड़ा स्पेस आपको दिया जा रहा है जहाँ पर अपनी वॉशिंग स्पेस भी आप बना सकते हैं। तो ये एरिया आपका हो जाता है खुला ओपन, और आपको लेके चलते हैं उसके सेकेंड बेडरूम में। गाइस अब आ जाते हैं इसके सेकंड बेडरूम में, जिसका सेकंड बेडरूम हो जाता है, जिसके लिए यहाँ पर एक वेंटिलेशन विंडो आपको मिल जाती है और आपको मिल जाता है एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर टाइल वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, टाइल बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगी हुई है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर टाइल्स का दिया हुआ है, और टाइल पूरी हाइट पर लगी है ताकि आपको सीलिंग की प्रॉब्लम ना आए।
थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा आपको, तीन पल के लिए आपको दी जाएगी, थोड़ा सा पैसा आपको दिया जाएगा। बहुत अच्छा दिया जा रहा है इसमें आपका, वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है, वेस्टर्न शीट लगी है। गाइस मैं कैमरा में ब्लैक कर दूंगा, वहां पर पॉलीमर में खड़े होकर दिखा है पूरा पूरा स्पेस, मैं भी किचन में पॉलीमर खड़ा हूँ ताकि आपको पता लगे ये जो एरिया है कितना बड़ा एरिया हो जाता है, आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा डिस्टेंस है और कितना बड़ा एरिया आपको यहाँ पर मिल रहा है। पीछे की साइड वेंटिलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से आपको ये आपकी वेंटिलेशन के लिए एक डक्टिंग दे रखी है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करिए और वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैं प्रेरित करूं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलते हैं लेकर आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे, देख सकते हैं ऊपर की साइड से आपको रोड का पूरा अच्छा आइडिया हो जाता है। 25 फुट का रोड होगा ये पूरा वॉल टू वॉल। आइए आपको दिखाते हैं इसको फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पूरा ओपन बनाया गया है, ऊपर इसके टी शेड दे रखी है देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आपका एक खुला स्पेस है आपके छज्जे में। और ये आपके एक आपका वॉशरूम यहाँ पर हो जाता है राइट साइड में। आगे इसके हम बेडरूम में जाकर थर्ड बेडरूम हो गया, यहाँ पर आपको यहाँ पर थर्ड बेडरूम हो गया, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेंट्री किचन आउट दिए गए, छोटा सा आपको रेड करना चाहते हैं तो आप उसको रेड आउट कर सकते हैं, स्टेयर की सवाल से आपको दे रखा है। टू बी एच के का रेंट आराम से यहाँ पर आपको 15,000 से 20,000 रुपये मिल जाता है। दिखा दें आपको उसका फोर्थ बेडरूम, ये आपका फोर्थ बेडरूम हो गया, देखिए कितना बड़ा स्पेस है। नीचे आपको एक खुला स्पेस जहाँ मैंने आपको किचन दिखाया था वो आपको दिख रहा है। सो गाइस काफी अच्छा आपको मैंने यहाँ पर एक डुप्लेक्स दिखाया है, लेके चलते हैं आपको उसकी छत पर। अरे गाइस चलते हैं इसकी छत पर और दिखाते हैं आपको पूरा नजारा मसूरी का। पहाड़ियाँ, शानदार पहाड़ियाँ, नेचर का आनंद, प्रकृति का आनंद आपको लेना है तो देहरादून से आप बहुत अच्छा तरीके से ले सकते हैं। और प्रकृति की रेस्पेक्ट भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी और करनी ही है ताकि हम
कोरोना जैसी महामारी से हमेशा बचते रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा और आपके लिए नई से नई वीडियो हम लाते रहेंगे। हर एक तरीके के मकान आपके लिए हमेशा ट्राई करते हैं कि हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हो और सबको अपना मकान मिले, प्लॉट मिले या फ्लैट मिले, जिसकी भी जैसी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।